हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको अकाउंट की मीनिंग बताई थी, डेफिनेशन बताई थी और इसके फीचर्स या एट्रीब्यूट समझाए थे। तो आज की क्लास में हम अपने फर्स्ट चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले कवर करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान से समझना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जब हमारा अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उस बात को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए उसके पीछे के पर्पस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहला पर्पस होता है कि अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको सही ढंग से रिकॉर्ड करके रख लिया जाए। तो रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है पिछली क्लास में, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। तो ध्यान से समझना, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। इसका मतलब क्या है कि देखो, हमारे देश के अंदर बहुत सारी फर्में हैं, बहुत सारी हमारे देश के अंदर कंपनियां हैं, सारे लोग अपना अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सब अपनी मर्जी से अकाउंट को करने लग जाए, यानी कि हर बंदा अपने तरीके से अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने लग जाए। तो बच्चों, अगर सारे लोग अकाउंट को अपने अपने हिसाब से करने लग जाएंगे तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को टैक्स लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अलग अलग अकाउंट से अलग अलग तरीके से टैक्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जितने भी यूजर्स हैं, जैसे बैंक को सबकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने में भी दिक्कत आएगा। तो क्या होता है कि हम अकाउंट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, हमारे देश में जैसे कि प्रिंसिपल्स बनाते हैं अकाउंट का ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो इस बात का ध्यान रखते हैं प्रिंसिपल्स बना के कि भाई सबके अकाउंट में थोड़ी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सबके अकाउंट्स एक जैसे बनने चाहिए, ताकि जितने भी यूजर्स हैं उनको वो आसानी से समझ में आ जाए। तो याद रखना है कि अकाउंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सारे अकाउंट को मेंटेन करना, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, किसके द्वारा, बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता ही होगा अकाउंट को करने का सबसे बड़ा मोटिव तो ये होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि हमने भी पूरे साल मेहनत करी, पूरे साल इतनी सारी ट्रांजेक्शन करी, सेल करा, परचेज करा, हमने इतने खर्चे करे, इतना रेवेन्यू कमाया, तो उससे क्या हमें प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके लिए क्या करती है अकाउंटेंसी, बाय इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे किसी भी फर्म को या कंपनी को अपना प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। अकाउंट शो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो हमें किससे पता चलता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट कंपनियां बनाती हैं, फर्में जनरली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव था डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि उस बिजनेस की किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है। हम देखो, किसी फर्म की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर हम उसमें ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस फर्म की वैल्यू क्या है, यानी इस फर्म के पास कितने असेट्स हैं, यानी इस फर्म के पास कितने रुपए की बिल्डिंग है, कितने रुपए का लैंड है, इस फर्म के पास कितने रुपए कैश में पड़े हुए हैं, इस फर्म का बैंक बैलेंस क्या है, इस फर्म की कितने लिंक्स है। ये चीज़ें हम बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हमें उस फर्म का अकाउंट दिख जाए तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि इस फर्म के पास कितनी बिल्डिंग है, कितने लैंड है, कितना फर्नीचर है, कितना इसके पास कैश है, कितना इसके पास बैंक बैलेंस है। तो याद रखना, अकाउंट ही वो चीज़ है जिससे हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, उसकी स्थिति पता चलती है, स्थिति बोल सकते हैं, बाय द बैलेंस शीट। और इसमें हम अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या पता लग, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग शो द ट्रू पोजिशन ऑफ द बिजनेस, कह रहा है कि बिजनेस की ट्रू पोजिशन भी अकाउंटेंसी ही बताता है। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, बच्चों मैनेजमेंट को किस तरीके से मदद करता है, किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस को संभालता है, जो बिजनेस से जुड़े हुए सारे डिसीजन लेता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, सेल से जुड़े हुए, परचेज से जुड़े हुए, एक्सपेंसिस से जुड़े हुए,
इफेक्टिव कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, सेल परचेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं वो अकाउंट्स का यूज करते हैं, बजट बनाने के लिए, फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर के लिए तैयारी करने के लिए, फ्यूचर में किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए वो अपने अकाउंट्स का क्या करते हैं यूज करते हैं। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलिए हमारे मैनेजमेंट ने पता लगाया कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो मैनेजमेंट उसके रीजंस ढूंढेगा कि भाई क्यों प्रॉफिट्स कम हो रहा है, और उन रीजंस को ढूंढने के बाद अगले साल ये डिसीजन लेगा कि भाई वो गलतियां ठीक करनी है ताकि अगले साल हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। इसे तो फोरकास्टिंग हम लोग कहते हैं, फ्यूचर के लिए तैयारी करना। लेकिन ये तैयारी कैसे पता लगेगी? अकाउंट्स को देखते हुए मैनेजमेंट पता लगाता है कि भाई क्या क्या गलतियां हमने करी है, कहां पर खर्चे ज्यादा कर दिए। अगले नंबर पे प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो आपको पता होगा बिजनेस के अंदर अकाउंट को यूज करने वाले दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो आपको आगे ये टॉपिक भी आने वाला है, कह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज एज पर दियर नीड्स। अपनी नीड्स के हिसाब से लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स के लिए यूज करती है, ऑनर प्रॉफिट पता लगाने के लिए करती है, एम्प्लॉयज सैलरी और वेजेस को बढ़वाने के लिए पता करते हैं। अगले नंबर पे प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। याद रखना, जब तक हम अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस के अंदर कितने असेट्स हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे बिजनेस के अंदर से एक फर्नीचर कोई चोरी करके ले गया, तो जब हम देखेंगे साल के लास्ट में कि यार इतने रुपए का फर्नीचर था अब कितने का है, तो हम देखेंगे भाई इतने रुपए का फर्नीचर कहाँ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, चोरी हो गया। तो याद रखना, अगर हम किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर वो खो जाए या चोरी हो जाए तो वो हमारे दिमाग में ना आए, वो हमें याद ना रहे। लेकिन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, सारे असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें प्रॉपर याद रहता है कि हमारे पास कितने असेट्स है, और उन असेट्स के खोने के चांसेस भी कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगले नंबर पे यही बात लिखी है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। अकाउंट का एक पर्पस होता है कि बिजनेस के असेट्स को प्रोटेक्ट करना। अकाउंट मेंटेन द रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। असेट ओड बाय द बिजनेस बाय विच मैनेजमेंट प्रोटेक्ट देम एंड द एक्सरसाइज कंट्रोल। जितने भी असेट्स हमारे मालिक ने, हमारे बिजनेस के ओनर ने खरीदे हैं, उन सारे बिजनेस में उस सारे असेट्स को हमारा मैनेजमेंट क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा एक्सरसाइज करता है, यूज में लाता रहता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारा आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक था बच्चों, ये था हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि एग्जाम के अंदर अगर आएगा तो हमें कैसे अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, कह रहा है कि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का क्या रोल है। बिल्कुल सिमिलर से जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले नंबर पे मेंटेन करता है ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में भी हमने पढ़ा था कि अकाउंट जो होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है। तो आप वही वाली एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि मैनेजमेंट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अभी ये वाली भी एक्सप्लेनेशन हमने पीछे पढ़ी थी, मैनेजमेंट को बजट बनाने में अकाउंट रिकॉर्ड अकाउंटिंग मदद करता है, मैनेजमेंट को फोरकास्टिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्राइस जो है डिटरमाइन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो वही वाली बात हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने लिखे थे वही लिख सकते हो आप। फैसिलिटेट्स कॉम्पेरेटिव स्टडी, कॉम्पेरेटिव स्टडी के अंदर भी जो है हमारी अकाउंटिंग मदद करती है। कैसे भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अकाउंट्स को देखते हुए कंपेयर करते हुए पता लग जाता है। पिछले साल का सेल इस साल का सेल देखकर पता लगा सकते हैं कि सेल बढ़ रही है या कम हो रही है। पिछले साल के एक्सपेंसेस इस साल के एक्सपेंसेस हम देखकर पता लगा सकते हैं कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो बड़ा आसान है, यानी कि हम बिजनेस में अकाउंटिंग से ही क्या कर सकते हैं, एक साल को दूसरे साल से या एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, कह रहे हैं कि ये कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पे भी काम करता है। सपोज दैट कि भाई गवर्नमेंट ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने जो है टैक्स की चोरी करी है, आपने प्रॉपर टैक्स जो है गवर्नमेंट को नहीं दिए। अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने टैक्स की कोई भी चोरी नहीं करी, मैंने प्रॉपर पूरा टैक्स भरा है? आप अपने पूरे बिल्स शो करोगे, आप अपने पूरे अकाउंट्स, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, जो आपने P&L अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, सारी चीज़ें शो करोगे। यानी कि जब भी हम कोर्ट के अंदर भी फंस जाते हैं किसी भी डिस्प्यूट के अंदर,
तो भी हमारी अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो यूज की जाती है एज ए एविडेंस इन कोर्ट। अदर फैसिलिटीज हम देख सकते हैं, अकाउंटिंग कह रहा है कि अकाउंट के कुछ और रोल है हमारे बिजनेस में, कह रहा है कि बिजनेस के अंदर लोन लेने में, ठीक है भाई, लोन बैंक से लेने के लिए जाते हैं तो बैंक चेक करता है कि हमारी क्या स्टेटमेंट है, चेक करता है कि हमारे पास कितने असेट्स हैं, चेक करता है कि क्या हम इनसे लोन रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनकी सेल परचेज की सिचुएशन कैसी है, ठीक है ना, बिजनेस की लिक्विडिटी पोजिशन क्या है। तो जब भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके ही हमें लोन देता है। फैसिलेट सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस, जब भी हम बिजनेस को सेल करते हैं ना बच्चों, तो बिजनेस का हमें प्राइस निकालना होता है, किसी को हम अगला रनिंग बिजनेस बेचना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे पास कितने असेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हैं, यानी कि हमारे पास कितने संपत्ति है, कितने रुपए का लैंड है हमारे पास, कितने रुपए की बिल्डिंग है हमारे पास, कितने रुपए का फर्नीचर है हमारे पास, और दूसरा ये देखना होगा कि हमें कितने पैसे जो हैं पे करने हैं लोगों को। तो इसी तरीके से हम अपने बिजनेस का प्राइस निकालते हैं। तो याद रखना, बिजनेस का प्राइस निकालने के लिए भी हमारे असेट्स वगैरह की वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है, किसकी मदद लेनी पड़ती है, हमें अकाउंटिंग की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए बोला जाता है कि अकाउंट हेल्प करता है बिजनेस को जब हम सेल करते हैं। फैसिलिट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये वही वाली बात इन्होंने लिख दी कि टैक्स लाइबिलिटी जैसी चीजों के अंदर भी जब हमें टैक्स लाइबिलिटीज को सेटल करना होता है तो भी हमारी मदद कौन करता है, अकाउंट। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा, जिसमें फर्स्ट था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर हमारे अकाउंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और सेकंड नंबर पे जो हमने टॉपिक कवर करा वो था हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो आज के क्लास के लिए हमने ये दो टॉपिक कवर कराए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।